ओम शांति। श्री परमात्मा ने ना नमः। गीता ज्ञान दाता निराकार शिव बाबा और उसके साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और हमारे सभी निमित्त बाबा के बच्चे जो श्रीमद् भगवत गीता में स्टडी में इंटरेस्ट रख रहे हैं, उन सबको स्वागत है। आपकी लगन से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय आरंभ कर रहे हैं। तो बिना किसी समय के वेस्ट करने के हम आज का सत्र चालू करते हैं। क्या स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सबको? जी सर, दिखाई दे रहे हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा हम फास्ट जा रहे हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम पहले 18 अध्याय पूर्ण करें, उसके बाद हम मास्टरी देखने वाले हैं कि हर अध्याय में जो लेखक है जिन्होंने श्रीमद् भगवद् गीता लिखी हुई है और समय समय पर उसमें क्षेपक कहते हैं संस्कृत में, माना उसमें एडिशन हुआ है और ऑथर बदलते गए हैं, तो कौन सा श्लोक किसने ऐड किया है, क्यों ऐड किया है, उसकी मानसिकता क्या है, वो हम समझेंगे। तो इसके लिए पहले हम भगवत गीता में ज्यादा विस्तार से नहीं जा रहे। पहले कुछ अध्याय हम काफी विस्तार में गए, जैसे 2रा अध्याय, पहले 6 अध्याय। अभी हम थोड़ा फास्ट ले रहे हैं क्योंकि जो देखा है कि जो बाबा के बच्चे इंटरेस्टेड है, जो रेगुलरली सभी सत्रों को अटेंड कर रहे हैं, समय निकाल पा रहे हैं, शायद कुछ लोग बिजी भी हो सकते हैं इसलिए समय नहीं दे पा रहे, तो वो बहुत कम लोग हैं जिनको जेन्यून इंटरेस्ट है श्रीमद् भगवत गीता में, संस्कृत के प्रति प्यार है और भगवत गीता को गहराई से जानना चाहते हैं। और हमने अभी तक लौकिक भगवत गीता और जो बाबा ने मुरली में कहा उसका कंट्रास्ट देखा हुआ है कि भगवत गीता लौकिक क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं और बाबा ने क्या हमको मुरली में से बताया, कितना सिंपल करके बताया है। इसी लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। बीच बीच में पुरुषार्थ की बातें भी हम सुन रहे हैं, तो आज भी उसी लक्ष्य से हम जाएंगे। आज का सब्जेक्ट थोड़ा कठिन माना गया है ये चैप्टर, हालांकि ये इतना बड़ा नहीं है। सबसे छोटे अध्याय हमने देखे 12वां और 15वां है, लेकिन ये थोड़ा क्लिष्ट सब्जेक्ट समझ जाता है क्योंकि इसमें प्रकृति और पुरुष के बारे में कुछ बातें आई हुई है। लेकिन अगर अभी तक आपने भगवत गीता को अच्छी तरह से समझा है, मनन किया है, उसको रिवाइज किया है, तो ये जो आज प्रकृति और पुरुष की बातें आई है इसको समझना हमको कठिन नहीं होगा, ऐसे मुझे लगता है। तो 3रा अध्याय हम आज शुरुआत करते हैं, इसका नाम है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अभी जिसने भी ये नाम दिया है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्षेत्र कहा गया है। तो क्षेत्र किसे कहते हैं, वैसे तो इस अध्याय में देखा गया है, बताया गया है, लेकिन आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आप लोग क्षेत्र जब ये शब्द सुनते हैं तो क्षेत्र बोलते ही आपकी आंखों के सामने कौन सा चित्र आता है? कर्म क्षेत्र, अच्छा, कर्म क्षेत्र आता है। मैदान, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र। अच्छा, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये भगवत गीता का पहला श्लोक है अगर आपको याद हो। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ले फर्स्ट श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो शुरुआत ही क्षेत्र से हुई थी, लेकिन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग अभी हम देख रहे हैं। क्षेत्र बोलते ही आपके सामने कौन सा चित्र आता है? क्षेत्र का क्या अर्थ आपके दिमाग में आता है? मैदान, मैदान। ठीक है, ठीक कहा। क्षेत्र माना मैदान, खुली जगह जिसको क्षेत्र कहते हैं। महाराष्ट्र में जब जमीन का हमको स्कूल में ये आता था, क्षेत्रफल माना उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्षेत्र शब्द इस्तेमाल करते थे कि इस ये कितना एरिया है। तो क्षेत्र माना एरिया, और क्षेत्रज्ञ समझते ही आपके दिमाग में कौन सा शब्द आता है? ज्ञ माना क्या? ओनर, ज्ञान, ज्ञ क्यों माना ज्ञान, ज्ञ माना ओनर। ठीक है, संस्कृत में ज्ञ माना जानने वाला, ठीक है ना। इस क्षेत्र को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो
तो पूरा खेल जो है एक्चुअली योग का अपना आधार यही है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग महसूस करना, और यही सुंदरता इस अध्याय की है। तो हम देखते हैं ये फ्लो कैसा है, 13वां अध्याय। तो इसमें बेसिकली 34 श्लोक है। पहले 18 है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय के बारे में स्पष्टीकरण दिया है ज्ञान के साथ, और फिर अगले 34 तक प्रकृति पुरुष का विषय आया हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्षेत्र क्षेत्रज्ञ या ज्ञान ज्ञेय या प्रकृति और पुरुष, ये दो दो शब्दों के ऊपर गहराई से वर्णन किया हुआ है। अभी ध्यान में रखना कि ये शब्द हर शास्त्र में अलग अलग अर्थ देते हैं, ठीक है ना। अपना ज्ञान जो है ज्यादातर जो सिद्धों में कपिल मुनि है, कपिल मुनि ने प्रकृति और पुरुष का संयोग बताया हुआ है, प्रकृति अलग है पुरुष अलग है। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी का 7 डेज कोर्स है, उसमें फर्स्ट चैप्टर में भी हम ये बताते हैं कि 3 चीजें अनादि है। वो कौन सी 3 चीजें है? प्रकृति पुरुष और परमात्मा, या परम पुरुष कह सकते हैं। सो प्रकृति पुरुष और परम पुरुष, इन तीनों का खेल है ऐसे कहते हैं। उसमें भी अगर हम प्रकृति और पुरुष कहे तो पुरुष में परम पुरुष भी आ जाता है, तो प्रकृति और पुरुष का ही पूरा डायनामिक्स है। अच्छा, प्रकृति और पुरुष ये 2 शब्द है, तो इसको और कौन सा खेल कहा गया है? किसी को और कोई दूसरा शास्त्रों का शब्द आता है कि ये खेल पूरा प्रकृति और पुरुष का है? जड़ और चेतन का। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। किसने कहा ये? अनुराग शर्मा ने। अनुराग भाई, ब्यूटीफुल, बहुत आंसर। जड़ और चेतन, ये शब्द इस अध्याय में भी आए। और कोई शब्द है जो आपको याद आता है जो बाबा ने मुरली में कहा है? खेल समझते आप? खेल, जीव और आत्मा। जीव और आत्मा, ब्यूटीफुल, ये भी आया हुआ है, बहुत अच्छा जवाब है। जीव और आत्मा का इंटरैक्शन है, ठीक है, बहुत अच्छा। भक्ति मार्ग के हम बिलीफ्स को लेकर चलते हैं। जड़ और चेतन शब्द है, वैसे इस अध्याय में स्थावर जंगम आया हुआ है। स्थावर जंगम भी संस्कृत शब्द है। जीव और आत्मा आपने कहा, और किसका ये खेल है? जरा भक्ति मार्ग के बिलीफ को लेके आओ ताकि विषय विस्तार से स्पष्ट हो जाए। लीला कहा हुआ है, लीला समझते आप? लीला शब्द आया हुआ है, लीला का मतलब क्या है? खेल। खेल, अच्छा, तो खेल है ये, किसका खेल है ये? पुरुष और प्रकृति का खेल है। रास कहा है किसी ने, ठीक है। महान आत्माएं जो कुछ भी करते हैं उसको लीला कहा जाता है। अच्छा, महान आत्मा जो भी करते हैं वो लीला का कहते हैं, ठीक है। और एक शब्द मैं चाहता हूँ आपसे, अभी तक आप पकड़ नहीं पा रहे हो शब्द को। स्त्री और पुरुष का भी खेल है। अच्छा, स्त्री और पुरुष का खेल है, ठीक है। देह और देही। देह और देही, ठीक है, आप बराबर बोल रहे हैं। डांस कहा है, चलो आपको एक युक्ति देते। डांस, किसका डांस है ये? गोप गोपियों का। नहीं, गोप गोपियों में तो केवल बाबा के बच्चे आएंगे, गोपी वल्लभ। डांस कहा हुआ है ये? एक्चुअली वो स्वमान है, डर को जीतने के लिए स्वमान बाबा ने कहा हुआ है, वो स्वमान का शब्द है वो। ये सिर्फ मैं इसीलिए ले रहा हूं, ऐसे नहीं कि आपने जवाब नहीं दिया, आप सबने सही जवाब दिया हुआ है। ये सब शब्द हम इसलिए देते हैं कि वही सब्जेक्ट है, लेकिन अलग अलग शब्दों से अलग अलग ऑथर्स ने, लेखकों ने इसको स्पष्ट किया हुआ है।
तो ये डांस है, परमात्मा का एक रूप है, डांसिंग डांसिंग गॉड कहते हैं उसको। जो डांस के क्लासेस देखते हैं उनको पता होगा वो कौन सा रूप है, नटराजन का, बिल्कुल ठीक। तो किसका डांस है ये पूरा ड्रामा, किसका डांस है? ऐसे बाबा कभी कभी कहते हैं कि जो वो ज्ञान देते हैं तो खुद को बाबा डांसिंग गर्ल कहते हैं, तो आपको यू नो जब ऑडियंस से रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तब डांसिंग गर्ल को डांस का मजा आएगा, ऐसे कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली शब्द जो मैं चाहता था आप लोगों से वो है शिव शक्ति का डांस है ये। तो शिव और शक्ति, भक्ति मार्ग में जीव और शिव ये दो शब्द आए हुए हैं, ठीक है ना। उन्होंने जीव और शिव को अलग कर दिया और सर्वोच्च अवस्था कहा कि जीव जब शिव से मिल जाता है ये सर्वोच्च अवस्था है, वो शिव में लीन हो जाता है। शिव शक्ति का डांस है ये पूरा, शिव और शक्ति जो स्त्री पुरुष कहा किसी ने उसी हिसाब से शिव शक्ति आते हैं। तो ये दो दो शब्द है जो हम अभी विस्तार से देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण शब्द पहला ही श्लोक महत्वपूर्ण, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है भक्ति मार्ग का। हर आत्मा, फिर जानवरों की आत्मा मनुष्य आत्मा हो, ये चार स्टेजेस से जाती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। व्यक्ति व्याभिचारिणी भक्ति और अव्याभिचारी भक्ति, ये शब्द भी भक्ति मार्ग का है। तो व्याभिचारिणी ये शब्द इस अध्याय में आया हुआ है। सर्व जगह पे परमात्मा कैसे रहता है ये शब्द यहाँ पर आया हुआ है कि सबके दिलों में परमात्मा है। और ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है संस्कृत के, हम इसको देखने वाले, ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु। और ज्योतिषाम अपि, हम परमात्मा का परिचय देते हैं तो भक्ति भगवत गीता का ये श्लोक अवश्य बताता है कि वो ज्योति है। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिष तमसः परम उच्यते, ये ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम, माना सबके हृदय में कैसे परमात्मा रहता है ये भाव फिर से इस अध्याय में आया हुआ है। प्रकृति पुरुष चैव विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान, ये महत्वपूर्ण संस्कृत के श्लोक है जिसको बाहट करना है। और परमात्मा का एक नाम जो हमने पहले भी देखा, भर्ता भोक्ता महेश्वरा, महान ईश्वर है वो, उपद्रष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, ये बहुत फेमस कपलेट है 13वें अध्याय का, जो अभी अनुराग भाई ने कहा कि जड़ और चेतन, तो स्थावर जंगमम ये और क्षेत्र संयोग, क्षेत्रज्ञ संयोग होने से क्या होता है उसका वर्णन यहाँ पर आया है। और कैसे कर्म बांधते नहीं है परमात्मा को, ये भाव जो हमने चौथे अध्याय में देखा था, नमा कर्माणि लिम्पन्ते नमे कर्म फले स्पृहा, ये चौथे अध्याय का श्लोक अलग भाव से फिर से 13वें अध्याय में आया हुआ है। और कैसे प्रकाश है परमात्मा और रवि के समान है, कल भी हमने 11वें अध्याय में देखा था। और ज्ञान चक्षु के बारे में बताया हुआ है। तो ये सब इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण श्लोक है 34 में से हमने चुने हुए। हम अध्याय की शुरुआत करते हैं, पहला श्लोक है इदम शरीरम कौन्तेय, परमात्मा कहते हैं कि ये शरीर क्षेत्र है जैसे, और उसका उन्होंने पैरेलल जो उदाहरण देते हैं जैसे खेत होता है, खेत में बीज बोते हैं, वैसे इस शरीर में जो भी हम कर्मों के संस्कार रूपी बीज बोते हैं वो समय समय पर प्रकट होता है और इसी का नाम क्षेत्र है। और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से ज्ञानी जन कहते हैं। तो शरीर क्षेत्र हुआ और इस क्षेत्र में हम बीज डालते हैं कर्मों के बीज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी एक बात के ऊपर हम एक घंटा जा सकते हैं, इतना विस्तार है। कोई बताएगा ये शरीर क्षेत्र, इसमें बीज कैसे पड़ते हैं, इस शरीर के अंदर बीज कैसे पड़ते हैं? कर्मों के बीज इस शरीर के अंदर कैसे पड़ते हैं, कोई बता पाएगा? संकल्प करते हैं उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है, किसी ने कहा। ये शरीर एक्चुअली हमको बताते हैं कि हमारे कर्म क्या है।
बाबा ने यहाँ तक बताया कि भाई का शरीर और बहन का शरीर किस संस्कारों के आधार पर मिलता है। डोमिनेंट संस्कार के हिसाब से हमारा शरीर चेंज हो जाता है। आप किसी बहन को देख के बता सकते हैं कि अगला जन्म इसका भाई का होने वाला है, या किसी भाई को देख के बता सकते हैं कि अगला जन्म इसका बहन का होने वाला है, क्योंकि वो संस्कार चेंज हो रहे हैं, वो आत्मा मोल्ड हो रही है उस वृत्ति से। हो सकता है कि आत्मा लंबे समय तक भाई के शरीर में रहे या लंबे समय तक बहन के शरीर में रहे, अलग अलग जन्मों की बात मैं कह रहा हूँ, एक जन्म की नहीं। तो वो होता है संस्कारों के आधार पर, हम जो कर्म करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं। और जैसे हमारे सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्डिंग होता है, वैसे स्थूल शरीर में भी पूरा रिकॉर्डिंग होता है। अभी हम इसको हीलिंग में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा आपको बता देते हैं ताकि आप, क्योंकि योगी जो होते हैं, योगी आत्माएं, वो इस क्षेत्र को अच्छी तरह से समझते हैं। आप कल्पना करो हिमालय में योगी है, वहां पे आपको कोई गर्म कपड़ा नहीं मिलेगा, गर्म पानी नहीं मिलेगा, तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? क्योंकि वो शरीर को जानते हैं, क्षेत्र कैसे काम करता है। तो शरीर के अंदर अलग अलग नाड़ियां कही गई है, तो सिंप्लीफाई करके आपको बताते हैं। आज का टॉपिक वो नहीं है, लेकिन योगी इस क्षेत्र को जानते हैं, जिसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। तो ये क्षेत्रज्ञ आत्माएं जो होते हैं, उनको पता है कौन सा बटन दबाने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। बहुत सिंपल विज्ञान है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। हम जो सांस लेते हैं नाक से, तो राइट साइड की नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहते हैं, लेफ्ट साइड की चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो चंद्र शीतल होता है, सूर्य गर्म होता है। अगर आपको शरीर का टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको राइट साइड से सांस लेना चाहिए। राइट साइड से सांस लेने से आप ब्रेन के कई ऐसे सेंटर एक्टिवेट करते हैं जिससे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये जस्ट एक उदाहरण आपको सुनाया, और आपको उदाहरण सुनाते हैं कि क्षेत्रज्ञ को जान, क्षेत्रज्ञ जो आत्माएं होते हैं वो योगी आत्माएं होते हैं। गुरु नानक के बारे में अगर आपने कोई कहानी सुनी है, सिख धर्म के स्थापक, वो पानी में तीन रहे थे, ये सुना है आपने? पानी के अंदर एक डाउट पूछो, ये जो सांस की है तो ये ऑटोमेटिकली चलता है? जैसे कभी कभी रात को, मतलब सुबह में जब हम जागते हैं तो ऐसे महसूस होता है ना कि एक नाक बंद हो गया है, तो ये सबकॉन्शियस लेवल पे चलता है? नहीं नहीं, ये ऑटोमेटिकली 90 मिनट्स का साइकिल होता है और चेंज होता है। मैं इसको मैनिपुलेट करने की बात कह रहा था कि ठंडी में भी अपने शरीर को गर्म रखते हैं ये योगी, कोई दवाई नहीं लेते, वहाँ खाने को नहीं मिलता है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिससे हम शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। बाकी ये सांस का विज्ञान अलग सब्जेक्ट होता है, इसलिए मैंने इसको टच नहीं किया। मैं क्षेत्र को जानने की बात कह रहा हूँ। ये शरीर को जानना भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको हम अभी तक जान नहीं पाए बिंग डॉक्टर। कई मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है जो 7 दिन जमीन के अंदर रहता है बिना किसी, वो मेरा पेशेंट था, उसको कैंसर हुआ था, मुंबई में एडमिट थे, पर वो कैंसर का दर्द सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जमीन के अंदर 7 दिन तक रह सकता है ऊपर से मिट्टी डाल के। तो उनके पास ये विधि होती है कि ये जमीन से सांस लेते हैं। ये गुरु नानक जी का इसलिए कहा, इवन महाभारत में दुर्योधन को भी कहा कि वो पानी में जाकर छिप जाता है। जब सभी का लास्ट में युद्ध करना होता है, भीम उसको ढूंढता रहता है, पानी में जाकर वो रहता है। तो पानी में वो सांस कहाँ से लेते हैं, ऑक्सीजन? तो ऐसी विद्या है जिसमें हमारी उंगलियां है, उंगलियों से हम सांस ले सकते हैं, हमको नाक से सांस लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा वर्णन है। तो यहाँ पर ये बता के मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि क्षेत्रज्ञ जो आत्माएं होती है वो शरीर के मैकेनिज्म को अच्छी तरह से समझते हैं। आज हम इस मैकेनिज्म को थोड़ा थोड़ा टैप कर पाए हैं। मेरे पास बहुत सारे भाई बहने होते हैं जिनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ब्लॉकेजेस होते हैं। अभी आप में से भी कई लोग जब सवाल पूछते हैं तो पता चलता है कि ये सवाल कहाँ से आ रहा है और इस आत्मा के अंदर कौन से ब्लॉकेजेस है। कभी टाइम मिला तो आगे ये सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस के बारे में हम बताएंगे कि ये ब्लॉकेज कौन से थॉट्स के रूप में हमारे सामने आते हैं। बाबा ने इसको जवाब दिया है मुरली में कि जैसे आपकी अवस्था अंदर से स्पष्ट होने लगेगी, आप मिरर बन जाएंगे, मिरर समझते हैं, आईना बन जाएंगे, तो सामने वाले के सभी भाव आपके दिल में स्पष्ट हो जाते हैं। ये क्षेत्रज्ञ की अवस्था है। और फिर बाबा ने कहा फिर उसको जो चाहिए उसकी मंगल मनोकामनाएं आप पूर्ण कर सकते हैं, और ऐसे आप कामधेनु बनते हैं।
तो क्षेत्रज्ञ बहुत ऊंची अवस्था है, जो क्षेत्र को जानता है। जिसने अपने शरीर को जान लिया वो दूसरों के शरीरों को जान सकता है। इस समय जो हीलिंग थेरेपीज है, बहुत सारे हीलिंग थेरेपीज है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सामने आत्मा बैठी है, उसको बिना टच किए आप उसका दर्द दूर कर सकते हैं। ऐसे हीलिंग टेक्निक्स है, उसके पीछे राज है ये क्षेत्र को जानना। मैं चक्रा वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, चक्रा तो बहुत सिंपल है, लेकिन ये एडवांस टेक्निक है। एक और टेक्निक है जो इस समय बहुत फेमस है, जिसको हम EFT कहते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो EFT से हमारे शरीर में कहीं पर भी दर्द है, मन की बीमारी है, वो हम निकाल सकते हैं। और इसका आधार ही है क्षेत्र को जानना। जो भी हमारे इमोशन है, समझो किसी का सिर दर्द हो रहा है और हम हिंदी में कहते हैं ये मेरे दिमाग में जाता है। मुंबई की भाषा तो बड़ी विचित्र है, मुंबई में ऐसे कहते हैं इसने मेरे दिमाग का दही बना दिया है, तो मेरे दिमाग में ये जाता है, इसको देखते ही गुस्सा आता है। तो आपने उस एंगर इमोशंस को यहाँ पकड़ के रखा है, तो जिन्होंने एंगर पकड़ के रखा है उनका सिर दर्द होता है इवनिंग को। ऐसे ही हमारे बैक में कुछ इमोशन जाते हैं, कुछ इमोशंस पेट में ब्लॉक क्रिएट करते हैं, कुछ हार्ट में ब्लॉक करते हैं, कुछ कंधे में ब्लॉक करते हैं। ये क्या है, ये क्षेत्र में अपने ऊर्जा को ब्लॉक कर दिया। तो जहां ऊर्जा ब्लॉक होती है वहां बीमारी पैदा होती है। तो ये जस्ट शॉर्ट में बता रहे हैं श्लोक का स्पष्टीकरण क्या है, हमको उस विस्तार में अभी नहीं जाना है। आगे चलकर कभी टाइम मिला तो आपको हीलिंग टेक्निक्स जो इस्तेमाल करते हैं वो कैसे हील करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात हुई है। अभी परमात्मा कहता है अर्जुन तुम सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष को जो तत्व से जानता है वही ज्ञान है। तो ज्ञान की डेफिनेशन यहां दी हुई है। ज्ञान किसे कहते हैं, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानता है। अभी आप मुझे बताओ मुरली में बाबा ज्ञान किसको कहता है, बाबा ने ज्ञान किसको कहा हुआ है? ज्ञान माना समझ, परमात्मा सृष्टि चक्र कर्म का। ठीक है, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र। देखो यहाँ पर भगवत गीता क्या कहती है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को विकार सहित या प्रकृति और पुरुष को तत्व से जो जानता है वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। चलो पुरुष को तो हमने समझ लिया, मन बुद्धि संस्कार हमने समझ लिया, कर्मों की गति समझ ली। प्रकृति को जानना माना क्या, कोई बता पाएगा? विकार सहित प्रकृति ये शब्द आया है। प्रकृति माना शरीर का ही है जो पांच तत्वों का बना हुआ है। तो जो अपने मन को, अपने इमोशंस को, अपने शरीर को पूरी तरह से जो जानते हैं, तो प्रकृति का यहाँ पे दो अर्थ है। प्रकृति माना संस्कार को भी प्रकृति कहते हैं और पांच तत्वों को भी प्रकृति कहते हैं। ठीक है, तो पांच तत्वों को भी बहुत गहराई से हमको समझना पड़े। पांच तत्व और इंद्रिया और उनके विषय हम आगे अभी देखने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा जानना चाहता था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है प्रकृति के बारे में। प्रकृति माना केवल पांच तत्व नहीं है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमने पहले 24 बातें देखी थी, किसी को याद है 24 बातें कौन सी है? पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच महाभूत, पांच इंद्रियों के विषय और मन बुद्धि चित्त अहंकार। एक्सलेंट, फुल मार्क्स, परफेक्ट जवाब है। अंजलि बहन रिवाइज करती है ऐसे लगता है। कई स्टूडेंट होते हैं जिनके बुद्धि में कोई बात बैठ गई तो वो परफेक्ट चलती है। पूरी 24 बातें इन्होंने बता दी है। तो क्षेत्र जो है जैसा है और जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप से मुझसे सुन। तो संक्षेप में बता रहे हैं परमात्मा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है और भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्रों के पदों द्वारा भी कहा गया। माना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का सब्जेक्ट बहुत जगह पर आया है, वेदों में आया, ब्रह्म सूत्रों में आया हुआ है।
अभी इसका मतलब ये जब ये श्लोक लिखा गया उसके पहले ब्रह्म सूत्र और वेद उपस्थित थे। इससे हम भगवत गीता की जो भी टाइम पीरियड है वो इससे डिकोड कर सकते हैं। माना ये जब श्लोक लिखा गया तो इसके पहले वेदों का ज्ञान था और ब्रह्म सूत्रों का ज्ञान था, तभी तो उसका रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। अभी ये बातें जो बताई वो देखो फिर से आई है जो हमने पहले देखी, पांच महाभूत पृथ्वी आप तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार दस इंद्रिया। इंद्रिया दस होती है, एक ज्ञानेन्द्रिया होती है, पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया होती है और पांच इंद्रियों के विषय होते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और इसके अलावा इच्छा द्वेष सुख दुख, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति, धृति भी इसमें आया हुआ है। इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। तो ये सभी जो चीजें हैं ये सब मिलके क्या होता है, इसको सबको मिला के क्षेत्र कहा गया है। क्षेत्र माना केवल शरीर नहीं है लेकिन उसके साथ ये सभी बातें आई है, इच्छा द्वेष सुख दुख पिंड चेतना और धृति, इन सब को मिलाकर क्षेत्र कहा गया है। अभी इसके साथ और भी कई बातें हैं, इसको हम एक एक वन बाय वन देखेंगे कि इसको क्यों डाला गया है, क्यों डालना चाहिए। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव अमानित्व कहा गया है। अमानित्व अदम्भित्व दंभ, दंभ का अभाव, दंभ किसे कहेंगे, ओम को सॉरी ढोंग जो ढोंगी अहंकार ढोंग मराठी शब्द है, हिंदी वालों के लिए क्या कहेंगे, बहुरूपी तो शिव बाबा भी है, जो बाहर कुछ और अंदर कुछ दिखावा करने, दिखावा करने वाला, दिखावा करने वाला, ठीक है दिखावा शब्द ठीक है, दिखावा करने वाला, अंदर एक बाहर एक, वो हिंदी में कहावत है मुंह में राम बगल में, बगल में जो भी रखता है बगल में वो वही जाने। तो दंभाचरण का अभाव, तो अमानित्व माना मान अभिमान का अभाव, दंभ का अभाव, ये तीनों में अगर आप देखो को अशब्द, अशब्द लगते ही एब्सेंस हो जाता है। हम 16वें अध्याय में देखने वाले अभयम सत्वम सशुद्धि, भय का अभाव, तो ये है अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम, आर्जव माना सरलता, जो बाबा ने सरलता का गुण, आचार्योपासना माना गुरु में श्रद्धा, शौच माना शुद्धि स्थैर्य आत्मविनिग्रह, ये गुण बताए हुए इस श्लोक में। इसके साथ इंद्रिया इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार का भी अभाव, माना भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा माना बीमारी और जरा माना बुढ़ापा और बीमारी, पुत्र स्त्री घर और धन, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, बार बार ये ममता का शब्द आ रहा है, ममता का न होना, भगवत गीता ममता के बजाय समता को प्रेफरेंस देती है, तो ममता का न होना तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, समचित्तत्वम ऐसे कहा गया है। समता का भी गुण बार बार भगवत गीता में आ रहा है और परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्याभिचारिणी भक्ति, जो बाबा कहता है ना, तो ये 13वें में 10वां श्लोक है, अव्याभिचारिणी भक्ति, केवल एक परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानना, स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना, उसको अव्याभिचारिणी भक्ति कहते हैं, तथा एकांत एकांत विविक्त देश सेवित्वम कहा है, विविक्त देश सेवित्वम एकांत और शुद्ध प्रदेश में रहने का स्वभाव, और विषयासक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का न होना, ये सब जो है
अध्यात्म ज्ञान, इसको अध्यात्म ज्ञान कहा गया। इसमें नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप में परमात्मा को देखना, ये सब ज्ञान में आ जाता है। तो ज्ञान की इतनी विस्तारित डेफिनेशन 13वें अध्याय में दी है, 9, 10, 11 श्लोक। तो इसमें मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा और कुछ शब्दों के बारे में बताऊंगा, खास करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। हर आत्मा, फिर वो मनुष्य की जानवर की हो, इन चार स्टेजेस से जाते हैं, जन्म जरा व्याधि और मृत्यु। लास्ट में मृत्यु है, शुरुआत जन्म से है और आपको इसी स्टेज से जाना है। और जिसने ये कम उम्र में रियलाइज कर लिया, महसूस कर लिया, उसके लिए वैराग्य जल्दी आ गया। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, गौतम बुद्ध की आत्मा, गौतम की आत्मा जिसके अंदर बुद्ध ने प्रवेश किया, हम सब ये जानते हैं गौतम की आत्मा अलग है, बुद्ध की आत्मा अलग है। तो गौतम को ये चार बातों ने डिस्टर्ब कर लिया कि मृत्यु निश्चित है, बीमार पड़ने वाले है, व्याधि है और बाद में शरीर छोड़ना है, तो इसके बाद क्या, ये प्रश्न उसको सताने लगा, क्या यही जीवन है। तो जो योगी होते हैं उनके अंदर भी ये प्रश्न आते हैं, क्या यही जीवन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि मृत्यु। वो तो जानवर भी लेते हैं, जानवरों के अंदर भी चार बातें होते, आहार निद्रा भय और मैथुन कहते हैं। तो हम भी वही करते जो जानवर करते, तो हमारे में और उसमें क्या है। जब इस बात को आप रियलाइज करेंगे तो आप इससे परे जाएंगे। तो ज्ञान की ये जितने भी बातें आई है उनसे परे जाना और ज्ञान के साधनों से विपरीत मान दंभ हिंसा अज्ञान की वृद्धि होने से अज्ञान कहा गया है, ऐसे परमात्मा कहते हैं। जो जानने योग्य है और जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसके बारे में परमात्मा भी कहने वाले हैं, अनादि मत परम ब्रह्म, अनादि वाला परब्रह्म, न ही सत ही कहा जाता है न असत है, न वो सत है न असत है, सर्वता पानी पादम, वो सब और हाथ और पैर वाला है, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है, सर्वम आवृत्य तिष्ठति। अभी इसका अर्थ क्या लेते हैं लोग, इसको सर्वव्यापी कहते हैं। अभी हमने 11वें अध्याय में देखा विराट रूप में, क्या श्लोक था, किसी को याद है विराट रूप में, अनेक क्या कहा, अनेक अनेक वक्त्र भाव, ठीक है, अनेक वक्त्र नयनम, ठीक है, नेत्रम, ठीक शब्द पकड़ा। तो उसके अनेक मुख है, अनेक सिर है, अनेक कान है, इसका भाव क्या है, ये तो स्थूल नहीं है ना, इसका भाव क्या है, परमात्मा के कई सहयोगी है, माना सभी ब्राह्मण आत्माएं। अच्छा, ये एक भाव है, और कौन सा भाव है, उससे उत्पत्ति होती है, उससे उत्पत्ति होती है, कारण बनता, कारण बनता है परमात्मा, सभी का रचयिता है, विश्व पिता है, सभी का रचयिता है। अच्छा, और सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं भक्ति मार्ग के बिलीफ को ले रहा हूं कि ये भाव कहां से आया है, जैसे हमने अभी देखा अव्यभिचारिणी शब्द कहां से आया, ऐसे ही ये भाव कहां से आया है। एक शब्द बाबा कहता है, जो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा में फर्क है, कौन सा फर्क है, बाबा ने एक शब्द कहा है, शिव बाबा जानता है लेकिन ब्रह्मा बाबा नहीं जानता है, कौन सा शब्द है वो, जो भक्ति में लोग समझते हैं। अगर इस श्लोक को आप देखो, सभी के दिल को जानते हैं शिव बाबा लेकिन ब्रह्मा बाबा नहीं जानते, एग्जैक्टली अंतर्यामी शब्द है, अंतर्यामी माना वो सबके दिलों को जानते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आया है कि वो सबको, सबके अंदर स्थित है, सर्वम आवृत्यम तिष्ठति, सबके अंदर वो स्थित है, माना सबके दिल के अंदर वो बैठा हुआ है। अभी किस भाव से ये शब्द आया होगा, क्या परमात्मा सबके दिल में बैठा हुआ है, भक्ति मार्ग में कहते हैं
कि परमात्मा का वो अंश है। अंश है तो किस रूप से वो दिल में बैठा हुआ है? गुण और शक्तियों के रूप में। बहुत अच्छा, वेरी गुड। गुण और शक्तियों के रूप में वो बैठा हुआ है। बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है ये। समझो कोई व्यक्ति समय पर आकर आपको मदद देता है, आपको धन चाहिए और किसी चीज की चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं? तुम एकदम भगवान की तरह आए। महाराष्ट्र में कहते एकदम देवासर का आलस। तो वो किस आधार पर उसने मदद किया? तो उसने मदद किया गुण और शक्तियों के आधार पर, जिसका स्रोत परमात्मा है। ये भाव बहुत सुंदर है, ठीक है ना, कि वो स्थूल रूप में हरेक के दिल में बैठा हुआ है, वो विशेषताओं के रूप में पर हरेक के दिल में बैठा हुआ है। ये एक बात है। दूसरा, बाबा ने स्पष्ट किया है कि मैं ये सब काम नहीं करता कि किसके दिल में क्या चल रहा है। मैं क्यों ड्रामा में इंटरफेयर करूं? मुझे कोई पड़ी नहीं है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। ये तो आपको अगर हील होना है, आपको ठीक होना है, तो अपनी दिल की बातें मुझे बता के हल्के हो जा। क्योंकि परमात्मा का एक नाम है नीलकंठ, कहते हैं ना नीलकंठ, माना वो क्या करता है? हलाहल इसको भी पीता है, हलाहल पचाता है। कौन सा हलाहल है ये? विकारों का, पांच विकारों का। इसको अच्छी तरह से समझना है। जो परिस्थितियां हमको हलचल में लाती है, बाबा के बच्चों को या भक्तों को भी, जो परिस्थितियां हलचल में लाती है उसको हलाहल परिस्थिति कहते हैं, उसको हलाहल विष कह सकते हैं। और ये विष जब हम परमात्मा को देते हैं, वो सहर्ष उसको स्वीकार करता है, तो वो हमारी हलचल वाली परिस्थिति को स्वीकार करता है। लेकिन कब स्वीकार करता है? जब हम उसको दे। तो बाबा मुरली में क्या कहता है? बच्चे, आपको जो भी समस्या है बचपन से लेके अब तक आपके साथ जो भी हुआ है, आप सब क्या करो, क्या करो, लिख कर मुझे दे दो। हाँ, लिख कर मुझे दे दो, मुझे सब बता दो। मेरे से छिपाने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा ही नुकसान है। क्योंकि बाबा के सब और कान है। अभी श्लोक को देखा, सर्वता श्रुति मल्लोके, सब और कान है। बाबा चाहे तो सब कुछ देख सकता है, लेकिन बाबा ड्रामा में इंटरफेयर नहीं करता है। बाबा हमारी मदद के लिए कहता है, तो ये इसका भाव है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण और पोषण करने वाला है, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। अच्छा, मुझे बताओ, बाबा को हम भोग लगाते हैं, ठीक है, हर गुरुवार को भोग लगता है, मधुबन में भी लगता है, सभी सेंटर पर लगता है। बाकी के बाबा के बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए भी कई तो तीनों बार भोग लगाते हैं, सुबह नाश्ता, दोपहर का, शाम को। तो बाबा को भोग लगाता है तो दिल के ऊपर हाथ रख के कहो आप, क्या बाबा हमारा भोग स्वीकार करता है? हाँ जी, भासना लेता है, भासना लेता है, भासना लेता है। तो भासना लेना माना स्वीकार कर लिया क्या? यही मेरा प्रश्न है। हम तो ऐसा ही अनुभव करते हैं, बाबा के पास गए, बाबा ने खाया है, स्वीकार किया है। तो ये आपकी भावना है। हाँ, में बैठा है ना बाबा, अकेला थोड़ा ही खाएगा। मेरा प्रश्न बिल्कुल हाँ और ना में जवाब देना। क्या बाबा स्वीकार करता है? नहीं स्वीकार करता। करता है, स्वीकार करता या नहीं करता है? हाँ या ना? नहीं करता। भासना, सिर्फ भासना। भासना लेना माना स्वीकार करना या नहीं करना, यही मेरा प्रश्न। लेता है, मुझे तो ऐसा लगता है लेता है। देखो अभी भी कंफ्यूजन है, 86 साल हो गए भगवद गीता में, और यहाँ पर भी ये शब्द आया है, भगवान को अभोक्ता कहते हैं। अभोक्ता है ना, अदृष्टा करता। अभोक्ता मतलब क्या? अभोक्ता क्यों कहा गया है इसको? कुछ भी स्वीकार नहीं करता। तो सोचना है इसके ऊपर, मैं कुछ रेडीमेड नहीं देना चाहता हूँ, आपका चिंतन इसके ऊपर चले। भक्ति मार्ग में तो उसने बहुत चमत्कार दिखाए, महाराष्ट्र में एक संत होके गए, इवन नॉर्थ में भी जो संत होके गए उनके हाथों से परमात्मा ने स्वीकार किया है।
महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से संत नामदेव के हाथ से वो भोग को स्वीकार करते थे, और पंजाब में एक जाट उसके हाथ से उसने भोग स्वीकार किया है, और भी कई होंगे साउथ के, हमको पता नहीं है क्योंकि ज्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन जितना जानते हैं भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में परमात्मा ने स्वीकार किया है ऐसे कहानियां आती है। तो भक्ति मार्ग में वो स्वीकार करता है तो ज्ञान मार्ग में क्यों स्वीकार नहीं कर सकता, इसके ऊपर चिंतन है, आपके लिए छोड़ रहे हैं। परंतु इस श्लोक में क्या भाव आया है उसके ऊपर, कि वो आसक्ति रहित है, सबका धारण पोषण करने वाला है और निर्गुण है, माना उनके अंदर हमारे मनुष्य की तरह गुण है नहीं है, लेकिन फिर भी गुणों को भोगने वाला है। ऐसे अनुभव सुना था ना कि ये बाबा ने बोला कि अभी इसमें पानी नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, सब ठीक करके आओ फिर स्वीकार करेंगे, तो स्वीकार करते हैं जो ठीक है। आई लिव इट क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। मैं यहाँ कोई डिबेट नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप चिंतन करें इस विषय के ऊपर, ठीक है, भावना और ज्ञान में क्या फर्क होता है, आप इसके ऊपर चिंतन करें, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, समय आने पर आगे अगर टाइम मिला तो हम इसको टच करेंगे। वो चराचर सब भूतों के अंदर बाहर परिपूर्ण है, बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरम मेव च, तो और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, उसको जान नहीं सकते है, तथा अति समीप है और अति दूर भी है। ये बहुत सुंदर भाषा का खेल है, सूक्ष्मत्वात कहा है, अविज्ञेयम कहा है, अंतिके, अंतिके माना बहुत नजदीक है और दूरस्थम है, नजदीक भी है और दूर भी है। अब ये शब्द बहुत सुंदर है, अंतिके दूरस्थम, दूरस्थम चा अंतिके च तत्तत। अभी मुझे बताओ परम धाम दूर है या नजदीक है? दूर है, अपनी स्थिति के ऊपर है, मन बुद्धि से नजदीक है, स्थूल में बहुत दूर। तो देखो ये जो भाव है ना, दूर भी है अति समीप है, ये जिसने भी लिखा है वो अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, परमात्मा विभाग रहित है, एक रूप से आकाश के सदृश है, ये हमने पहले भी देखा है। यहाँ पर दो शब्द मुझे अच्छे लगते है, ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च, ग्रसिष्णु माना रुद्र के समान संहार करने वाला और ब्रह्मदेव के समान उत्पन्न करने वाला, और भूत भर्तु माना विष्णु रूप से पालन करने वाला। तो ये त्रिमूर्ति का जो गायन है वो इस श्लोक से आया है, 13-16। और ये घटाकाश पटाकाश की थ्योरी आपको याद है, पहले हमने देखा था घटाकाश और पटाकाश की थ्योरी, कौन बताएगा? घट घट में आकाश, तो आकाश बाहर है, कोई घट में होता है, अगर घट टूट गया जो अंदर है वो बाहर है। हाँ तो सॉरी, पहला कौन बोल रहा था, घट टूट गया तो वो टूट गया तो उसमें जो है वो उसमें विलीन हो जाता, अच्छा सारी पार्ट उसको ही एक जैसे हो जाता, उसमें कोई भिन्नता नहीं रहती। अच्छा, इसको चिंतन करना, बहुत फेमस थ्योरी है ये भक्ति मार्ग की, घटाकाश पटाकाश कहते हैं, घट के अंदर आकाश है और पट के अंदर आकाश है। तो उनका ऐसा मानना है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम, परमात्मा का विभाग नहीं है, वो एक रस है। मैंने, मुझे याद आ रहा है कि कबीर का दोहा भी सुनाया था इसके लिए, आपको याद है कबीर का दोहा मटके के ऊपर? ये सुनना चाहिए आपको, बहुत सुंदर है, कबीर ने लिखा हुआ, भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे, मैं तो पनियन भरने से छूटी रे। माना भक्ति मार्ग का बेसिक बिलीफ क्या है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, ठीक है ना, मोक्ष वो चाहते हैं। तो मटका है तब तक उसमें पानी भरते रहेंगे, मटका फूट गया तो फिर पानी भरने का प्रश्न ही नहीं आता है। तो आपका आकाश है वो शरीर में सीमित है, जैसे ही शरीर छूटा आप बेहद के आकाश के साथ एक रूप हो गए, जिसको कहते हैं आत्मा को परमात्मा में लीन हो गया। तो दिखाई देता ये पृथक पृथक है,
लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि आप उसके साथ एक हो गए। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमस परम उच्यते, वो पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है। फिर से हम 15वें अध्याय में परम धाम का वर्णन देखने वाले हैं। एवं माया से अत्यंत परे कहा गया है वो परमात्मा बोध स्वरूप, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम, तो सबके हृदय में है वो स्थित है परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य हूँ, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। तो देखो ये फिर से आया और इसी आधार पर ये कहते हैं कि परमात्मा दिल में निवास करता है, यही वो श्लोक है। ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम, सभी के हृदय में परमात्मा विशेष रूप से स्थित है। तो इसके ऊपर चिंतन करना, लौकिक में भी इसके ऊपर रिसर्च की है लोगों ने कि दिल में परमात्मा क्यों रहता है, ऐसा क्या है दिल के अंदर जो लोगों को लगता है। क्या सिर्फ ज्ञान और गुण ही होंगे क्या, मतलब शुभ भावनाएं हो सकती है ऐसे? तो भावना गुणों में आ गई ना, भावना गुण है। हाँ भावना है ना, गुणों में भावना आ गई। प्रेम की क्या है, भावना ही है ना। देखो हम क्या करते हैं, हम ना दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। ये सब शब्द हमारे लिए बने हुए हैं, ठीक है ना, हमको विस्तार से समझाने के लिए। लेकिन बेसिकली यहाँ पर भाव यह है कि सबके हृदय में वो स्थित है, इसका भाव क्या लेना चाहिए। एक तो चलो हमने गुण और इसके ले लिया, और किस रूप से हम ले सकते हैं इसका अर्थ, और किस रूप से ले सकते हैं? जैसे आपने घटाकाश और पटाकाश, मतलब घट में जो है पानी, उसमें से आकाश का जो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है छोटा सा, उसका जो है मतलब परसेंटेज में, तो उनका सभी चीजें परसेंटेज में हर व्यक्ति में मतलब आत्मा में है। ऐसे कोई भी अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो डीप इनसाइड मालूम पड़ता है कि मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो वो जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं वो परमात्मा की क्वालिटी है, वो मनुष्य। अभी अभी रिसेंटली दादियों का जो डायरी से एक छोटा सा हिस्सा आया था ना, कि आपके जीवात्मा को आपको हायर आत्मा कहती है कि यू नो आपके ऊपर थोड़ा सा अफसोस है कि आपने इसके बारे में बुरा सोचा या फिर कुछ ऐसे विकर्म किया। तो एक हायर कॉन्शियसनेस है और जो लोअर कॉन्शियसनेस जो जीवात्मा के लेवल पे है, ऐसा समथिंग। बहुत अच्छा, यही जवाब मैं चाहता था, आपने दे दिया बहुत अच्छा जवाब, दोनों ने सही जवाब दिया कि हम सबको जन्म से ही ये कॉन्शियस मिला हुआ है जिसको हम विवेक कहते हैं, सत असत विवेक है ना। तो ये विवेक हमको श्रेष्ठ कर्म की ओर लेके जाता है, जो हमको मनुष्य से देवता में फर्क दिखाता है ना। श्री कृष्ण माना क्या, श्री कृष्ण माना परमात्मा का साकार स्वरूप, ऐसे ही नहीं श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं। अगर भगवान शरीर धारण करके इस सृष्टि पर आ जाए तो वो कैसा दिखेगा, तो वो श्री कृष्ण के जैसा होगा। और श्री कृष्ण क्या है, एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल द क्वालिटीज। तो जब कोई मनुष्य आत्मा आपको एम्बॉडीमेंट्स ऑफ क्वालिटीज देखते हैं तो हम कहते हैं इसके दिल में जैसे परमात्मा जैसा प्यार है या परमात्मा के गुण इसके द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और ये नंबर वार बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जिधर देखो उधर तू ही तू, ये भाव कहाँ से आया है, बाबा ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है। कोई बता पाएगा ये भाव कहाँ से आया होगा, जिधर देखो उधर तू ही तू? एक तो प्रेम भाव से और एक डर के भाव से कि कोई मुझे देख रहा है। नहीं नहीं, हर बच्चा कहता है कि बाबा मेरे दिल में बसा है। अच्छा हाँ। नहीं, थोड़ा इसको और खोलो और विस्तार से बताएंगे। देखो बहुत सुंदर है अपना ज्ञान, बाबा ने ये सभी श्लोकों का यथार्थ अर्थ हमको दिया है। मैंने पहले भी कहा भक्ति मार्ग के किसी भी बात को हमको काटना नहीं है, उसको निगेटिव नहीं सुनाना है, उसका यथार्थ अर्थ हमको समझाना है, उनको साथ में लेके चलना है। दिलाराम बाबा सच्चे दिल में रहता है, इसका अर्थ क्या है उसको अच्छी तरह से समझना है। हमने बहुत सारा बाबा का ज्ञान ना दिमाग के लेवल पर समझ लिया है, दिमाग के लेवल पर हम उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं एनालिसिस इज पैरालिसिस, थोड़े समय के लिए एनालिसिस ठीक है लेकिन टू मच जाते हैं तो हम उधर फंस जाते हैं।
उसके आगे निकल जाना है। बाबा के बच्चे ध्यान से सुनो, अंतिम समय में जब संपूर्ण अवस्था तक पहुंचेंगे तो लोग देखेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। बाबा के बहुत बच्चों के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार होगा, एक हाथ में शांति धाम, एक हाथ में सुखधाम और बीच में आत्मा की लाइट। ये त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार, इसकी मूर्ति चली हुई है, मुरली चली हुई है। तो आगे चलकर बाबा के ऐसे योगी बच्चे प्रत्यक्ष हो जाएंगे और जिनको देखकर सबको लगेगा कि ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, क्योंकि उनके द्वारा भगवान का साक्षात्कार, इष्ट देव का साक्षात्कार होने वाला है। तो ये भाव यहाँ पर हमको लेना चाहिए। आप देखो नंबर वार स्टेज पर हम पहुंचेंगे। अच्छा, अगला श्लोक है कि इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षिप्त में कहा गया, और जो इसको यथार्थ रूप से जानता है वो परमात्मा को जान लेता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तू अनादि जान। देखो ये अनादि शब्द इसी में आया हुआ है भक्ति मार्ग में, तो ये ऑथर की विशेषता है कि ये अनादि प्रकृति और पुरुष के बारे में कह रहा है। राग द्वेषादि विकारों तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। जो भी विकार है प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। अभी यहां पर बताया है कि कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति ही कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। तो प्रकृति क्या है? तो पांच तत्व और उसके पांच विषय है ना, पांच तत्व और पांच इंद्रियों के विषय, मन बुद्धि अहंकार और ये पांच ज्ञानेंद्रिया और पांच कर्मेंद्रिया, इनका नामकरण है। इसके उत्पन्न में प्रकृति ही कही गई है। प्रकृति माना जिसको बाबा के शब्दों में अगर हम कहें तो बॉडी कॉन्शियसनेस। बाबा ने यहां तक कहा है कि जैसे ही फर्स्ट जन्म है वहां से हमारा डाउनफॉल चालू होता है। ऐसे नहीं समझे कि हमारा डाउनफॉल चालू होता है द्वापर युग में, नहीं, बैटरी डिस्चार्ज होना चालू सतयुग से ही होती है। सबसे बेस्ट बच्चा होता है वो महात्मा होता है, लेकिन जैसे वो बड़ा हो गया उसकी बैटरी में परसेंटेज हो गया, तो वहां से बैटरी डिस्चार्ज होना चालू होता है और वो प्रकृति के वजह से होता है, प्रकृति का इफेक्ट आता है। पुरुष प्रकृति स्थो भुंगते प्रकृति जनान गुणान। माना ये त्रिगुणमयी माया कहते हैं, प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। तो इसमें ये गीता का लेखक ये कहना चाह रहा है कि आत्मा जब प्रकृति के संयोग में आते हैं या संपर्क में आती है तो त्रिगुणों का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसके डिटेल में हम कल जाने वाले 14वें अध्याय में, और वो उसके द्वारा अच्छे और बुरे कर्म होने लगते हैं। इट इज द इफेक्ट ऑफ बॉडी, जिसको बाबा ने ब्रॉड हेडिंग दिया बॉडी कॉन्शियसनेस का। तो त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। सत्व गुण के संग से देव योनि में, रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में, और तमोगुण से पशु योनि में या नीच योनियों में जन्म। ये भक्ति मार्ग की मान्यता है। तो सत्व रजो और तमो इस गुण के संयोग से आप अलग अलग योनियों में जाते हैं। ये हम कल डिटेल में देखने वाले हैं। कल किसी ने कहा था कि बीके भाई बहनों का मेजॉरिटी डाइट कैसा है, सात्विक है, राजसी है या तामसी है, क्या कहेंगे? सात्विक। श्योर? कॉन्फिडेंट किया जाए? नहीं, सात्विक नहीं है। कभी 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 राजसी हो जाता है, मसालेदार खाया तो। हाँ। नहीं, सात्विक डाइट नहीं है बीके भाई बहनों का, वो राजसिक में ही आएगा, सात्विक नहीं आएगा। में ही आए, मिर्ची खाते हैं, कुछ कुछ खाते तला हुआ। तो आप सोचो, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, ये शास्त्रों की बातें हैं, लेकिन अगर आप देख लो कि बहुत सारी कामनाएं, नहीं तो भगवान मिलने के बाद मन इतना क्यों भटकता है? क्योंकि रजोगुण माना इच्छा है, रजोगुण माना इच्छा है। कई सारे बीके भाई बहने खाली बैठ नहीं सकते शांत एक जगह पर। अभी योग में बैठे हैं तो भी देखा गया कि उनके पैर हिलते रहते हैं और उनको लगता है वो योग कर रहे हैं। ये बहुत इंस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, और ये रजोगुण का प्रभाव है। तो
तो कल हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो कहने का यहाँ पर भाव यह है कि आत्मा के ऊपर प्रकृति का प्रभाव आता है। यहाँ पर एक मैं आपको अनुभव सुनाना चाहूंगा कि बड़ी दादी को ये सवाल पूछा गया कि दादी आप तो बहुत कम उम्र में ज्ञान में आए, इतने साथ बाबा के साथ में रहे, है ना, तो आप लोगों को ये सब भोगना क्यों है, है ना। तो दादी ने जवाब दिया, हमारा तो अच्छा पुरुषार्थ है लेकिन हमारे आजू बाजू में बहुत कुछ होता है, आप इसको समझ जाओ, इशारे को समझ जाओ। वैसे भोजन में डायरी प्रोडक्ट्स का बहुत कंट्रोवर्सी है, वैसे तो अलाउड है सात्विक भोजन में, लेकिन डायरी प्रोडक्ट जिस तरीके से बनता है, पूरा हार्मोन होता है, उनको टॉर्चर होता है, इवन जो मांस नहीं खाते उनका दूध और दूध का प्रोडक्ट्स बनता है, तो उसका पूरा वो तमोप्रधान था उसमें आ जाती है, और ये अलाउड है, तो वो जो खाते हैं उसमें तो वो तामसिक ही हुआ आइडियली। एक तो मैं ये भोजन की बात कहता हूँ, लेकिन साथ में आपका संग जो चारों तरफ है वो भी आपके ऊपर प्रभाव डालता है। तो इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हमारे चारों तरफ जो हमारे शरीर के अंदर जाता है और चारों तरफ वायुमंडल है, जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस मोबाइल और टीवी का हम संग करते हैं, ये सब आत्मा के ऊपर इसका असर आता है और उस अनुसार हमारे कर्म होते हैं। आप इसको चिंतन करना। ओके, इस देह में स्थित आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, वह साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से, भरता और जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसे कहा गया है। तो ये आत्मा का या क्षेत्रज्ञ का वर्णन है कि आत्मा सो परमात्मा, ये जो भाव आया हुआ है इसको स्पष्टीकरण यहाँ पर आया। आत्मा सो परमात्मा क्यों कहा गया है, अभी आपका जवाब आना चाहिए क्योंकि इतना हमने देखा है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो आत्मा सो परमात्मा क्यों कहा गया है? आत्मा सभी दिलों में रहते हैं ऐसी मान्यता है, तो तत्त्वम, बाबा कहते हैं तत्त्वम मतलब तुम भी वो शांत स्वरूप आत्मा हो, लेकिन उन्होंने समझा कि आत्मा ही परमात्मा, ऐसे भाव पकड़ लिए। और कोई किसी का जवाब है, आत्मा सो परमात्मा ये शब्द क्यों आया है? क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप बाबा के जैसा ही है। अच्छा, एक ये और, परमात्मा के गुणों का स्वरूप है आत्मा, इसलिए आत्मा सो परमात्मा है। ठीक है, चलो अभी आप समझदार बनते जा रहे हैं। इस प्रकार पुरुष को और गुणों को सहित प्रकृति का जो मनुष्य तत्व से जानता है, जो तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। देखो अल्टीमेटली आ गए न अभी जाए थे, जन्म में नहीं आता है। जिसने प्रकृति और पुरुष के खेल को समझ लिया, वो इस क्षणभंगुर नाशवान जड़ और अनित्य प्रकृति से डिटैच हो जाता है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग द्वारा और कितने कर्म योग द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते। तो ध्याने न आत्मा ने सांख्य न योगे न कर्म योगे न चापरे, मना ध्यान योग सांख्य योग और कर्म योग से उस परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। परंतु इससे दूसरे आनंद अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है, वो इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वो श्रवण करने वाले भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। इसका स्पष्टीकरण है ये है कि एक तो आप अपने पुरुषार्थ से जाते हो, लेकिन दूसरों से सुना हुआ ज्ञान भी आपको तर के लेके जाता है। बाबा इसका उदाहरण क्या देते हैं, कौन सा उदाहरण देते हैं? तर जाते हैं दूसरों के द्वारा सुने हुए ज्ञान से भी तर जाते हैं। कौन सी कहानी सुनाते हैं मुरली में? पंडित और ठीक बता रहे हैं पंडित की कौन सी कहानी? वो नदी पार। हाँ बिल्कुल ठीक,
तो नदी में तूफान आता है तो वो कहते राम राम कहो तुम तर जाओगे, है ना, तो राम राम करके लोग जंप मारते तैर जाते हैं और ये पंडित ही डूब जाता है क्योंकि उसको ही विश्वास नहीं होता है कि मैं तर जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन कहने का भाव है कि अगर आपको निश्चय है पूरी तरह से कि ये बाबा की बातें हैं और ये तीनों कालों में सत्य है तो केवल सुनने से भी आप इस मृत्यु रूप संसार से पार हो जाते हैं। तो जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जान, ऐसे अर्जुन को परमात्मा कहता है। जो पुरुष नष्ट होते हुए चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। फिर से ये शब्द आया है, बार बार भगवद गीता में आया है। कौन सा शब्द आता है कि समम समम समभाव से देखता है वही यथार्थ देखता है। स्क्रीन पर 18वां श्लोक ही है, स्क्रीन पर क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत समय हो गया मेरे। अच्छा, स्क्रीन पर ये आपके ऊपर है या बाकी के भी है? मेरे को नहीं, तो सभी के ऊपर वैसे ही है, 18वां अध्याय ही है, 18वां श्लोक। अच्छा, दिख नहीं रहे आपको श्लोक? नहीं, अच्छा हुआ आपकी बुद्धि जल्दी जाग गई। ये भी इंटरेस्टिंग है, इतना देर हुआ और किसी ने कुछ कहा नहीं। मुझे लगा आप सब लोग देख पा रहे हैं। अच्छा, ये दिखाई दे रहा है अभी? हाँ, 28 आ गया। अच्छा, समम पश्यन् सर्वत्र समस्थित ईश्वरम, माना सब पुरुष में समभाव में से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता वह इस परम गति को प्राप्त होता है। अभी इसको बहुत अच्छी तरह पुरुषार्थ में लेना चाहिए कि सामने वाला समझो कुछ ऐसा कर रहा है जो नहीं करना चाहिए तो उस समय उसको संपूर्ण अवस्था में देखना चाहिए। ये बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। जो लोग दूसरों के संस्कारों से हलचल में आते हैं उनके लिए ये पुरुषार्थ बहुत मदद करेगा। आपको बता दूं कि बाबा हमको वर्तमान अवस्था में नहीं देखता है, बाबा हमारा संपूर्ण स्वरूप देखता है। इसलिए बाबा को हमको स्वीकार करना बहुत सहज होता है कि आत्मा आदि अनादि संपूर्ण पवित्र है। इसी को कहते हैं समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ। तो सामने जो भी भाई बहने आए, अभी कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली चलाई थी, अगर आपको याद हो, होली हंस की मुरली, बहुत पावरफुल मुरली थी, दो मुरलियां चली थी अव्यक्त वाणी। तो उसमें बाबा ने कहा था कंस जरासंध और रावण भी आए तो भी कौन सा भाव होना चाहिए? रहम का भाव होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा आदि अनादि संपूर्ण पवित्र है। भले वर्तमान में हलचल में है, वर्तमान में ऐसा कर रही है जो नहीं करना चाहिए, लेकिन बाबा क्यों स्थिर रहता है? क्योंकि बाबा उस आत्मा को संपूर्ण अवस्था में देखना है। तो हमको भी अगर संपूर्ण अवस्था में जाना है ये तो समभाव में स्थित परमात्मा को देखता है तो परम गति को प्राप्त होता है। ये है ड्रामा को पूर्ण रूप से स्वीकार करना। बाबा कहते हैं जो देही अभिमानी है उसमें रहम भाव होगा और जो देह अभिमानी है उसके अंदर घृणा भाव होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखने की बात चल रही थी तो मैं आपको इस श्लोक के आधार पर जो युक्ति बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखो कि हर आत्मा अपने संपूर्ण अवस्था में बहुत श्रेष्ठ है। उसकी वर्तमान अवस्था को मत देखो क्योंकि वर्तमान में हो सकता है उसके ऊपर माया का प्रभाव हो, है ना। तो हमको हर आत्मा को संपूर्ण अवस्था में देखेंगे तो उसको स्वीकार करना बहुत इजी हो जाएगा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है उसी क्षण वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कितना सुंदर श्लोक है। अनादि होने से, निर्गुण होने से ये परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है न ही लिप्त होता है। तो यहाँ पर ये भाव आया है कि आत्मा के ऊपर लेपशेप नहीं चढ़ते हैं और आत्मा इससे डिटैच रहता है। अभी कौन सी अवस्था निर्लेप अवस्था है ये बताएंगे? बाबा तो कहता है आप कर्म करते हैं वो आत्मा के ऊपर उसका कट चढ़ जाता है। तो यहाँ पे किस भाव से ये श्लोक आया है कि आत्मा के ऊपर कोई भी लेप नहीं चढ़ता है?
साक्षी दृष्टा होकर जब कर्म करेंगे, स्थित प्रज्ञ अवस्था, स्थित प्रज्ञ अवस्था, स्थित प्रज्ञ। अच्छा, साक्षीपन की अवस्था ठीक है, पर साक्षीपन की अवस्था अतीत अवस्था कौन सी? जब तक आत्मा प्रकृति के संसर्ग में नहीं आई है तब तक वो निर्लेप है, लेकिन वो जैसे ही प्रकृति से संयोग होकर एक जन्म ले लिया तब प्रकृति का प्रभाव उसके ऊपर पड़ना शुरू होता है। जब तक वो नहीं आई तब तक वो निर्लेप। कौन बोल रहा है ये, किसका आवाज है? अनुराग शर्मा। बहुत अच्छी बात कही अनुराग भाई ने, परम धाम की अवस्था निर्लेप अवस्था है। इस धरती पर आप निर्लेप नहीं रह सकते, प्लीज अंडरस्टैंड, परम धाम की अवस्था निर्लेप अवस्था है, क्योंकि वहां आत्मा शरीर के बगैर है। शरीर आया माना लेप शेप आ गया, इतना हो सकता है कि आपका जमा का खाता बढ़ सकता है, आप पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, लेकिन लेप नहीं चढ़े ये नहीं हो सकता है। तो जब निर्लेप शब्द आता है तो परम धाम की अवस्था ही निर्लेप अवस्था है उस हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन हम जब यहां से शरीर छोड़ के जाएंगे तो कैसे जाएंगे, खाली होके जाएंगे या भरपूर होके जाएंगे? बाबा ने मुरली में कहा है कि दुनिया में कहते खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का क्या गायन है, आए थे तो भी भरपूर आए थे और जाएंगे तो भी भरपूर जाएंगे। तो वो हम लेप लेकर जाएंगे दिव्य गुणों का। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। ये है अशरीरी अवस्था का प्रभाव। अशरीरी अवस्था में क्या होता है कि ये इफेक्ट नहीं आता है तत्वों का शरीर के ऊपर, ये पॉसिबल है, लेकिन लेप नहीं चढ़ना ये नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। ये हमारा योग के लिए विजुअलाइजेशन वाला श्लोक है, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। ये हमारा योग का विजुअलाइजेशन है। जितना हम लाइट स्वरूप में रहेंगे उतना हमारा शरीर लाइट का होते जाएगा। अगर 15 मिनट भी हम अपने लाइट के शरीर में रहते हैं तो बहुत सुंदर फरिश्ता अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार ये आखिरी श्लोक है, क्षेत्र क्षेत्र के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति को मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वही परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ये हो गया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विस्तार, जड़ विकारी क्षणिक और नाशवान तथा नित्य चेतन अविकारी और अविनाशी, माना विनाशी और अविनाशी, जो हम फर्स्ट चैप्टर है बाबा का आत्मा का, उसको अगर अच्छी तरह से पृथक पृथक हमने समझ लिया तो परमात्मा को जानना बहुत इजी होता है। जिसको बाबा ने बार बार कहा कि जब तक आत्मा का अनुभव नहीं है तब तक शिव बाबा के गुणों का अनुभव नहीं हो सकता, और आत्मा का अनुभव करने के लिए आपको स्पष्ट रूप से यह अनुभव होना जरूरी है कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, मोटर कार अलग है उसका ड्राइवर अलग है, सीप अलग है उसके अंदर का मोती अलग है, घर अलग है घर में रहने वाला अलग है। ये है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विस्तार। जिसको इन्होंने समझ लिया उसी को योग में अनुभव होता है, तब तक अनुभव नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम 13वें अध्याय को रोकते हैं, समाप्त होता है। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जो कोर्स में आपने बताया कि परमात्मा जो है वो कोई ऐसे भेदभाव नहीं, सब समझ तो है। तो एक बार मैं कोर्स करा रही थी किसी की, एक मैनेजर है, तो वो मुझे पूछती है कि अगर सबके लिए इक्वल है तो अलग अलग धर्म क्यों बनाए, तो ये तो कोर्स का पार्ट नहीं है। तो मुझे ऐसे टचिंग आया तो मैंने उसको बोला कि जो है पहले कुछ आत्माएं आती है, फिर जब वो पुराने होते हैं तो नई आत्मा आती है, तो नए आत्माओं के लिए नया लाइफ स्टाइल चाहिए, तो इसलिए नए नए जो है रिलीजन्स बने ऐसे। तो मतलब ये, और ये भी कहा गया कि परमधाम में अलग अलग सेक्शंस हैं, धर्म के अनुसार अलग अलग सेक्शंस हैं, तो मतलब ये सेक्शनिंग का क्या तात्पर्य है? सेक्शनिंग शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये सेक्शन वगैरह शब्द।
आप अपनी प्यूरिटी के अनुसार वहां जाकर बैठते हो, है ना। आपकी जो स्थिति है, शक्ति है, उस अनुसार आप जाएंगे। आप जितना पावरफुल रहेंगे उतना ऊपर रहेंगे। यू आर अ मैग्नेट बेसिकली, तो आप अपने मैग्नेटिज्म को बढ़ाओ, वैसे आप वहां पर जाएंगे। सेक्शन शब्द क्या होता है, क्लासिफाई करता है। क्लासिफाई करते ही ऊंच नीच की बात आ जाती है। हाँ, तो हम ऊंच नीच या क्लासिफिकेशन में नहीं जाके मैग्नेटिज्म के बारे में कहे तो वो पिक्चर फिट बैठता है। और किसी का कोई प्रश्न है? धृति को हमने देखा है। धृति क्या होता है? धृति बुद्धि का एक फंक्शन है। आप फिर से, मैं चाहूंगा कि दूसरे अध्याय को फिर से स्टडी करें, भगवद गीता का सार, वहां पे धृति के विस्तार के बारे में बताया हुआ है। धी, धृति, स्मृति, ये तीन शब्द बताए गए थे, इसलिए मैं यहाँ पर इसको रिपीट नहीं करूंगा। आप दूसरा अध्याय फिर से स्टडी करेंगे। और किसी के कोई प्रश्न है? तो सेल्फ हीलिंग की बात की, तो हमें, हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स है, जैसे मेडिकल विंग का ही एक डॉक्टर है जिन्होंने अपने ब्रेन का ट्यूमर ऐसे योग से ठीक किया, और कुछ लोग 15 साल से कुछ भी कर नहीं पाते, वो सेम डिजीज में उसमें तो ये कर्म के आधार पर है, निश्चय के आधार पर है, या फिर कोई टेक्निक है, या फिर? देखो, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते, कोई एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है। अभी जगदीश भाई जिस लीवर की बीमारी से शरीर छोड़ा, एक माता है जिसको वही बीमारी थी, वो 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई उस बीमारी से। तो आप ये नहीं कह सकते कि जगदीश भाई का योग कम था और उस माता का योग अच्छा था करके, ठीक है। ये ड्रामा है, हर एक के कर्मों की गति अलग है और मल्टीपल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न है? आपने कहा कि क्षेत्र के जो जानना चाहिए शरीर के बारे में, और उसका अगर ऑडियो आप भेज सकते हैं कि हीलिंग एनर्जी के बारे में आपने पहले पहले टच किया, जो ब्लॉकेज बनाकर उसका ब्लॉकेज का जो आपने कहा, ठीक है। मैंने सेशन लिया था, एक स्मार्ट का ट्रेनिंग हुआ था यज्ञ में, जिसमें डॉक्टर गिरीश पटेल, डॉक्टर प्रेम मसन और डॉक्टर सचिन परब, इन्होंने ट्रेनिंग लिया था। तो ड्रामा प्लान अनुसार सचिन भाई को साइंस ऑफ मेडिटेशन ये सब्जेक्ट मिला था। तो उसमें सबकॉन्शियस माइंड में जो ब्लॉकेजेस होते हैं और उससे बीमारियां उत्पन्न होती है, और उस ब्लॉकेज को खोलने की विधि बताई गई। अभी तो उसके ऊपर काफी कुछ डेटा और रिसर्च आया हुआ है, तो समय आने पर हम इसके ऊपर एक सेशन लेंगे कि कैसे, हाउ टू रिमूव द लिमिटिंग बिलीफ्स। जो दिमाग वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स या डिसीज क्रिएटिंग बिलीफ्स। वो बिलीफ्स को हम रिमूव करते हैं सबकॉन्शियस माइंड से बाय सर्टन टेक्निक्स। वो हम इसके ऊपर सेशन ले सकते हैं आगे, पर उसको टाइम लगेगा। अभी हमारा फोकस है भगवद गीता को फिनिश करना। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न है? भाई जी, मेरा एक प्रश्न है जी, प्लीज। जैसे हमने आज ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का चैप्टर पढ़ा, तो इसके पहले भी, मतलब जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, जो अभी तक मैं समझता आया था कि क्षेत्र शरीर है और क्षेत्रज्ञ मतलब उसका ओनर, मतलब आत्मा है। लेकिन इसमें जो डिस्क्रिप्शन किया गया क्षेत्रज्ञ का, कि जो इन इन चीजों को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं आत्मा हूँ, भले ही मुझे वो ज्ञान नहीं है, मैं आत्मा तो हूँ, ये शरीर मेरा है। तो क्या जिसको ज्ञान नहीं है वो क्षेत्रज्ञ नहीं है? ठीक है, अच्छा सवाल है। यहाँ पर दो शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया, मर्ज और इमर्ज, ठीक है ना। जैसे कोई राजा का बेटा है, उसको पता ही नहीं कि वो राजा का बेटा है, तो इससे ये नहीं होता है कि वो राजा का बेटा नहीं है करके, ठीक है ना। तो वो उस समय उसका वो ज्ञान मर्ज है, उसमें इमर्ज नहीं है, है ना। आप समझ रहे बात को? तो जब इमर्ज हो जाता है उसको पावर आती है। वही बात यहाँ पर है, जो 24 से ज्यादा बातें बताई गई है, वो जब इमर्ज रूप में आपके अंदर आती है पूर्ण रूप में, तभी आप संपूर्ण रूप में उसको क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। जैसे राजा का बेटा है, लेकिन जब तक वो 18 साल के ऊपर नहीं होता, 21 साल के ऊपर नहीं होता है, है ना। जैसे भारत में वोटिंग राइट्स नहीं मिलते आपको 21 साल के ऊपर, भले आप दे सकते हैं, आपको पूरा प्रोसीजर पता है, या जब तक आप कुर्सी पर नहीं बैठते तब तक आपको पावर नहीं आती है। वैसे ही ये बात है, क्षेत्रज्ञ का पूर्ण टाइटल आपको तभी मिलेगा जब ये सभी बातें आपके अंदर इमर्ज हो और शक्ति रूप बन के काम करे, ठीक है।
अच्छा, मेरे ख्याल से सभी के प्रश्न अभी समाप्त हो चुके हैं, तो आज हम यहाँ पर आज का सत्र समाप्त करते हैं और कल हम 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग देखेंगे। आप सबको फिर से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ओम शांति। ओम शांति भाई, ओम शांति भाई, ओम शांति। अरे आगे संजोग के विचित्र